Very good morning, children. Today we'll start off with the chapter 3 from statistics for economics, and the name of the chapter is organization of data. So far we have completed collection of data, and the next step in statistics is organization of that data. So firstly we'll go through the introduction slide. Isme kya likha hai? In this chapter you will know how the data that you collected are to be classified. यानी इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, अभी तक आपने डेटा कलेक्शन सीखा है, आपने क्वेश्चनेयर बनाना सीखा है, एंड वी नो दैट इट इज़ अ टूल, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट डेटा. सर्वे टेक्निक से, सर्वे मेथड से हमने देखा है कि कैसे डेटा कलेक्शन होता है. डेटा कलेक्ट करना अब हम सीखें क्वेश्चनेयर की हेल्प से. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस डेटा को क्लासीफाई करना. The purpose of classifying raw data is to bring order in them so that they can be subjected to further statistical analysis. इसका मीनिंग क्या है, जब आपके पास रॉ डेटा आता है तो इट इज़ मीनिंगलेस. एंड रॉ डेटा क्या होता है इसका है, हम देखेंगे कि आगे जाके एग्जाम्पल भी. सपोज जैसे मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स कलेक्टेड इन इंग्लिश, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स वो एक साथ में आपको लिख के दे दूँ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मींस. तो ये रॉ डेटा है. क्लासिफिकेशन फिर क्या होता है, इट इज़ अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया. आप किसी क्राइटेरिया यानी किसी कंडीशन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. तो क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन इज अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स. ठीक है, ये बात हमारे को समझ में आ गई है, मतलब ग्रुप्स में या किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो दैट इज क्लासिफिकेशन. देन व्हाई रॉ डेटा इज नीडेड टू बी क्लासिफाइड. तो इसका मीनिंग क्या, हमारे को समझ में आया कि रॉ डेटा की क्यों जरूरत है हमारे को क्लासिफाई करने के लिए. तो पहली बात तो रॉ डेटा है क्या, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट में देखो क्या लिख रखा है. एग्जांपल ऑफ रॉ डेटा के लिए आपको अपनी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 24 पे जाना है, टेबल 3.1 देखना है. उसमें आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. एक छोटा सा टेबल बना रखा है उन्होंने, उसमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. तो उसको आप देखना, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रॉ डेटा. रॉ डेटा मतलब सिंपल मार्क्स, 100 बच्चों के मार्क्स उसमें लिख रखे हैं, उसमें उन्होंने जो आपको टेबल दे रखा है. तो रॉ डेटा और अनक्लासिफाइड डेटा आर हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड. अब वो मार्क्स अगर 100 स्टूडेंट के अगर ऐसे हैं तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, उससे कुछ मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा है हमारे को. एंड दे आर वेरी लार्ज टू हैंडल. और इस तरह का डेटा अगर 100 स्टूडेंट्स का है, मैं आपसे कहूँ 1500 स्टूडेंट्स का, 2000 स्टूडेंट्स का डेटा को आपको इस तरह से सिर्फ में मार्क्स ही मार्क्स आपको उस टेबल की ऐसे लिखवाए जाए अगर आपको, तो आप उसको इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. वो आपसे कुछ, आप कुछ उससे मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं. टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम रॉ डेटा इज ए टीडियस टास्क. वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, उससे आप कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं. तो उसको समझने के लिए मैंने क्या बोला, आपको पेज नंबर 24 पे जाना है, टेबल 3.1 देखना है, और एक उसके साथ और टेबल दे रखा है, आप उसको भी देखना. दे बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ डेटा. देयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा इज नीडेड बिफोर एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज अंडरटेकन. तो हमारे को क्या मीनिंग समझ में आया, हमारे को जो भी रॉ डेटा हमारे पास आता है यानी डेटा कलेक्शन के बाद जो भी हम उसको लिख रहे हैं एक सिंपल पेज पर, तो वो रॉ डेटा है. और जैसे मार्क्स लिखे जा रहे हैं हम एक के बाद एक 100 स्टूडेंट्स के, 200 स्टूडेंट के, 400 स्टूडेंट के, व्हाट डज इट मीन, इट डजंट मीन एनीथिंग. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन तो हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप अब ऑर्गेनाइजेशन का है. अब उससे जरूरी नहीं है कि हम ये 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो रॉ डेटा है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, सिंपल सा उसको टेबुलर फॉर्म में करना, टेबल बनाना सीखेंगे अब हम, किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के टाइप सीखेंगे हम, किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है डेटा को, सो दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन बी, वी कैन अप्लाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. आफ्टर कलेक्टिंग डेटा द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट दैम इन ए क्लासीफाइड फॉर्म. तो अगला स्टेप कलेक्शन के बाद क्या होता है, वही हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना. तो
ये तरीका है जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के चार तरह के क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे इस चैप्टर में। पहला है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड स्पेशल क्लासिफिकेशन, थर्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना यानी ऑर्गेनाइज करना, उसको ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको अरेंज करना। तो अभी हम अरेंज करना सीख रहे हैं डेटा को। तो पहला जो है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इसका मीनिंग क्या लिख रखा है हमने, डेटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू टाइम सच एज ईयर्स मंथ्स एक्सेट्रा, तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, यानी टाइम के रेफरेंस से अगर आप डेटा को क्लासिफाई करें। जैसे इस एग्जांपल में लिख भी रखा है, ईयर लिख रखा है, पॉपुलेशन इन करोड़ इन लैक्स, आप कुछ भी यूनिट लिख सकते हैं। जैसे 1951 में कितनी थी, 36 लाख से 36 लाख, 1961 में 44 लाख, 1971 में 55 लाख। उसको ध्यान से देखो आप इस टेबल को, तो आपको कैसे क्लासिफाई मिल रहा है डेटा को, तो हम बोलेंगे इसको डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। तो एग्जांपल है ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सेकंड है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। स्पेशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, डेटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशंस, यानी ज्योग्राफी के बेसिस, सच एज कंट्री, स्टेट, सिटीज, टाउन्स, इस बेसिस पे अगर क्लासिफाई किया जाएगा तो उसको हम स्पेशियल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जैसे इंडिया में हम बोलेंगे डेटा कलेक्ट हुआ कि ईल्ड ऑफ वीट इन केजीज, तो 100 केजीज कुछ किसी एरिया में हमने देखा, चाइना में 200, फ्रांस में 300। तो इस तरह से हमने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन वी हैव क्लासिफाइड डेटा। तो ये दो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, पहले का नाम है क्रोनोलॉजिकल यानी रेफरेंस टू टाइम, सेकेंड है स्पेशल क्लासिफिकेशन और विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, एट्रीब्यूट्स लाइक नेशनैलिटी, लिटरेसी, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा कैनॉट बी मेजर्ड, यानी आप इसको नंबर नहीं है ना, मैं आपसे बोलूँगा आपको किसी एरिया में रिलीजन वाइज आपको डेटा कलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ पीपल और डिफरेंट रिलीजन, या लिटरेसी के बेसिस पे करना है, नेशनैलिटी के बेसिस पे करना है, जेंडर पे मेल फीमेल, इस तरह का डेटा कलेक्शन करना है। तो ये आपके पास जो डेटा आएगा वो कैसा आएगा, तो मेल है, जेंडर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, मेल है या फीमेल है, तो ये नंबर नहीं आ रहा है, कैनॉट बी मेजर्ड, यू कैनॉट मेजर इट, येट दीज एट्रीब्यूट कैन बी क्लासिफाइड, आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइदर द प्रेजेंस और द एबसेंस ऑफ द क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, या तो है या तो नहीं है, यानी कौन सी क्वालिटेटिव क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया का, जैसे एक क्लास का हमने डेटा कलेक्ट करा, तो उसमें 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी, तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स 18 और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 22। तो लेकिन जब डेटा कलेक्ट किया गया तब कैसे कलेक्ट किया, वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हमने समझा इसको, क्योंकि डेटा कैसा था, क्वालिटेटिव नेचर का था, उसका एट्रीब्यूट कैसा था, यू कैनॉट मेजर इट, नंबर की फॉर्म में नहीं आ रहा था, या तो आपको आंसर क्या मिल रहा था, आइदर मेल और फीमेल, तो आपने ऐसे 40 बार क्या लिखा, मेल फिर फीमेल, जो बच्चे से पूछते गए और एंट्री करते गया, तो रॉ डेटा मिला आपको 40 बार, आपने आइदर यू हैव रिटन मेल और यू हैव रिटन फीमेल, दैट इज रॉ डेटा। लेकिन आपको उसको आपने क्लासिफाई कैसे करा, आपने एक छोटा सा टेबल बनाया, एक तरफ लिखा आपने जेंडर, मेल काउंट करा कितने हैं 18, एक तरफ लिखा फीमेल काउंट करा कितनी है 22, तो आपने एक टेबल फॉर्म, नाउ यू कैन यू आर अरेंजिंग, यानी यू हैव अरेंज द थिंग्स, यू हैव अरेंज द डेटा, जो आपके पास रॉ डेटा आया था 40 बार आपने क्या लिखा था, आइदर मेल और फीमेल, अभी आपने उसको एक छोटे से टेबल में आपने उसको अरेंज कर लिया। तो दैट इज द थिंग विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्वालिटेटिव डेटा, जब नंबर की फॉर्म में डेटा नहीं आया, चाहे नेशनलिटी हम बोलेंगे इंडियन, अमेरिकन, इस तरह से अगर हम बात करेंगे नेशनलिटी के बेसिस पे, या लिटरेसी, वेदर लिटरेट और यस नो का डेटा आएगा, रिलीजन अगर हम मेजरली डिवाइड करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट आर ऑल्सो देयर, तो ऐसे कितने हैं आपके रीजन में, तो आप इस तरह का डेटा क्लासिफाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, या तो अगर हम जैसे जेंडर भी बोला तो क्या बोलेंगे, स्टूडेंट क्या बोलेगा, आइदर मेल और फीमेल। तो इस तरह से डेटा कलेक्शन में जो आपको नंबर नहीं मिले तो उसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अब नंबर आएंगे, जैसे हाइट, तो हाइट कैन बी मेजर्ड इन नंबर, इन सेंटीमीटर्स, इन मीटर्स, वेट केजीज में, एज ईयर्स में, इनकम अगेन रुपीज, मार्क्स आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। व्हेन द कलेक्टेड डेटा ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप इनटू क्लासेस, जब आप इस तरह के डेटा का कलेक्शन को क्लासेस में ग्रुप कर सकें, क्लास इंटरवल जो आप सीख के आए हुए क्लास 10th में, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएंगे। जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल छोटा सा लिख रखा है, 0 से 10, जैसे फ्रीक्वेंसी यानी कितने एज ग्रुप की बात करें, तो 4 स्टूडेंट्स थे, 10 से 20 की एज ग्रुप के कितने थे, 8 स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह से हमने क्या करा, एक छोटा सा एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बनाया, लेकिन हाँ क्वांटिटेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है, हम क्लास इंटरवल में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं,
when it can be classified and or we can say it can be grouped into classes. तो ऐसे डेटा को हम क्वांटिटेटिव, तो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया, क्वांटिटेटिव जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें हमारे को नंबर्स मिलते हैं, तो आप उस नंबर को क्लास इंटरवल में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एज की बात करी तो हम एज जो आएगा वो नंबर आएंगे, लेट्स से हमने 0 से 10 में कौन सी क्लासिफाई कर रहे हैं, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर इस तरह से क्लासिफाई कर रखे हैं। तो यू हैव टू राइट दीज स्लाइड्स। तो पहले तो हमारे को क्या समझ में आया, क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है। क्लासिफिकेशन इज अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस। अभी हमने क्या सीखा, कैसे अरेंज करना सीखा हमने, जैसे वी कैन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी यानी ईयर्स यानी टाइम के बेसिस पे आप अरेंज कर सकते हैं डेटा को, आप ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन डेटा को अरेंज कर सकते हैं, और यू कैन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट वेट एज इनकम विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर यू कैन क्लासीफाई डेटा। तो वी हैव लर्न सो फार हाउ टू क्लासीफाई डेटा, कैसे उसको अरेंज करते हैं टेबल्स में, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। So you have to write these slides in the notebook of statistics, and we will continue this chapter in our next class. Thank you.